नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सीएम योगी ने पीएम मोदी की योजनाओं का बखान किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हालांकि योगी ने रोमियो स्क्वाड जैसी योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन यूपी में अपराध का ठीकरा पुरानी सरकारों पर फोड़ा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में काबिज होने वाली बीजेपी अब उसी कानून व्यवस्था पर गिरती नजर आ रही है। तो वहीं विपक्ष ने योगी सरकार के कार्यकाल को अभी तक का सबसे असफल कार्यकाल बताया। मायावती ने कहा, जेवर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बसपा सरकार की देन है। तो वहीं कांग्रेस ने योगी राज को गुंडा राज बताया। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी के कार्यकाल को गंभीरता से लिया जा रहा है। जी हां, यही हमारा आज का विशेष योगी के 100 दिन। योगी के 100 दिन। इससे पहले कि इस पर हम चर्चा शुरू करें और आज के मेहमानों से आपका परिचय कराएं, देखते हैं खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 100 दिनों का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा, साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे को लेकर विकास का संकल्प भी लिया। राज्य सरकार ने विरासत में भी 1,21,000 किलोमीटर से अधिक गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई। योगी ने प्रदेश में पिछड़ेपन का ठीकरा पूर्ववर्ती सपा और बसपा की सरकारों के सिर पर फोड़ा। योगी ने कहा, दूसरे दलों की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ बदहाल कानून व्यवस्था ने जनता का भारी नुकसान किया है। पूर्ववर्ती सरकारों के 15 वर्ष के बदहाल शासन का खामियाजा प्रदेश की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ा है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भर्तियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसे समाप्त करते हुए पारदर्शी तरीके से चिन्ह के जाने का निर्णय लिया गया है। विपक्ष ने योगी सरकार के 100 दिनों को सबसे बड़ी असफलता बताई। कांग्रेस ने इसे गुंडाराज कहा तो बसपा और सपा ने असफल कार्यकाल। आदित्यनाथ जी के कार्यकाल का आंकलन वो स्वयं तो करके कितनी भी पीठ थपथपाए, पर सच यह है कि 100 दिन का कार्यकाल केवल अराजकता, केवल जो रक्षक यानी पुलिस के अधिकारी हैं उन पर बीजेपी के गुंडों द्वारा प्रहार और भाजपा के कार्यकर्ताओं की गुंडई के लिए जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में आजादी के 70 वर्ष में जितनी भी सरकारें आई, सबसे असफल सरकार मौजूदा रही। कानून व्यवस्था के नाम पर आई, रोजाना आप कानून व्यवस्था का हाल देख रहे हैं। माफिया, सामंती व सांप्रदायिक तत्वों का जबरदस्त आतंक आदि, ये सभी 100 दिनों में चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। योगी सरकार जहां किसान कर्ज माफी को लेकर मुद्दा भुनाना चाहती है, तो प्रदेश के ठंडे पड़े कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा है। योगी के भाषण में केंद्र की योजना का जिक्र यह समझने के लिए काफी है कि सीएम से लेकर निचले स्तर का कार्यकर्ता भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। मिशन 2019 में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी जमकर उभरी है और अब नजर फिर लोकसभा चुनाव पर है। योगी के 100 दिन, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया, शैलेंद्र प्रधान बीजेपी नेता, कांग्रेस से दीपचंद्र यादव और यश यादव सपा की नुमाइंदगी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले हम चलेंगे लखनऊ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर
आरसी भट्ट के पास और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से योगी सरकार के 100 दिन हुए हैं और जो कुछ आज लखनऊ में हुआ, चाहे सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां गिनाई गई हों या जिस तरह से विपक्ष ने निशाना साधा है सरकार पर, क्या कुछ रहा। सीधे चलते हैं लखनऊ पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट के पास में। भट्ट साहब, जिस तरह से अगर हम आज की बात करें, 100 दिन पूरे हुए योगी सरकार के और तमाम उपलब्धियां गिनाई गई, विपक्ष ने भी निशाना साधा, क्या कुछ रहा लखनऊ में आज? देखिए, 100 दिन विश्वास के ये नारा अपने 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर योगी सरकार ने दिया है और जिस तरह से आज एक भव्य समारोह में उन्होंने अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ और अपने दो उप मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने इस समारोह में शिरकत की और उसमें उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने 100 दिन में जनता का विश्वास जीत लिया है और जो उन्होंने काम किया है, यानी कि अपने 100 दिन के कार्यकाल की बात गिनाते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये बात कही कि 100 दिन में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें किसान कर्जा माफी की बात अगर हम करें, सरकार ने 24 घंटे बिजली देने की बात की, उसके बाद डीआईटी कल्चर को समाप्त किया गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, साथ साथ जो है खनन के लिए जो है एक पॉलिसी बनाई गई, ई टेंडरिंग लागू किया गया, ये तमाम चीजें वो लगातार गिनाते चले गए। लेकिन उसके बाद जैसे ही पत्रकार बंधुओं द्वारा जो उनसे सवाल पूछा गया तो उसके बाद वो एक सवाल का जवाब देकर निकल गए। लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमर कसे हुए है और लगातार वो योगी सरकार के पहले दिन से लेकर 100 दिन तक उनके जो पूरे कार्यकाल हैं उस पर वो नजर बनाए हुए है। या अगर हम कांग्रेस की बात करें बिल्कुल, क्या बहुजन समाज पार्टी की बात करें बिल्कुल, या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें। भट्ट साहब, दोबारा हम आपके पास में आएंगे, हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ में जुड़े हैं, सबसे पहले हम अब उनकी प्रतिक्रिया लेंगे इस 100 दिन पर। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया साहब हमारे साथ में हैं। राजेश जी, किस रूप में देखेंगे इस 100 दिन के कार्यकाल को आप? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। तो उसके लिए 100 दिन कुछ होते नहीं है, 6 महीने कम से कम मुख्यमंत्री को अपने कामकाज के तौर तरीकों में वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में समझौते सचिवालय विभाग सारी चीज़ें कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है और 6 महीने का वक्त देना ही चाहिए। लेकिन अब वो खुद अपने 100 दिन की ढकी बजा रहे हैं तो उसके लिए ये देखना होगा कि सबसे पहला जो उनका एक फरमान था कि 15 जून के पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों के गड्ढे भरना, वो काम उसके ठेके भी नहीं हो पाया, वो पूरा भी नहीं हो पाया, बहुत आधे अधूरे तरीके से थोड़ा बहुत काम हो गया है, एक सबसे पहली चीज़ थी। दूसरा, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एक 14 साल से लंबित योजना थी, 2003 में उसको शुरू किया गया था लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों के क्लियरेंस नहीं हो रहे थे और ये काम जरूर योगी के खाते में जाएगा, योगी जी के खाते में जाएगा। रोमियो वाला स्कर्ट है उसके बारे में भी काफ़ी विवाद होते रहे, आपने देखा ही है कि वो किस तरह से बाद में मुख्यमंत्री को खुद बोलना पड़ा कि हर किसी को, भाई बहन को भी परेशान मत करो, या कोई अपनी इच्छा से जा रहा है तो उनको सहमति जा रहा है उनको नहीं रोका जाए। राजेश जी, कानून व्यवस्था बड़ा सवाल थी यूपी में और कानून व्यवस्था को लेकर काफी कुछ हुआ और फिर जिस तरह के आरोप विपक्ष ने आज लगाए हैं कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बात की जाती रही है कहीं दिख नहीं रही अब यूपी में। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बहुत आसान चीज नहीं है, मैं आपको बताऊं। फिर दूसरी चीज जो वहाँ देखने सुनने में आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आए जब सत्ता में तो अभी ब्यूरोक्रेसी के साथ में उनका वो तादाद में और तारतम्य में बैठ नहीं पाया है और इससे नाफरमानियां भी हो रही हैं और आदेशों का अक्षरशः पालन नहीं हो पा रहा है। ऊपर के स्तर पर तो अफसरों में बदलाव कर दिया है लेकिन निचले स्तर पर तो अभी वही लोग बैठे हुए हैं तो वो एक अनमनापन है लोगों में काम करने को लेकर। और लाइन ऑर्डर में निश्चित रूप से एक बात है कि जो पहले जिस तरह से जो लोग गड़बड़ियां करते थे वहाँ ऐसा नहीं है कि सब रामराज था उसके पहले, वहाँ पर पहले भी गड़बड़ियां होती थी, थाने में कोई वर्ग विशेष के लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी और अगर वो किसी पर FIR करते थे तो धड़ाधड़ कार्रवाई होती थी। तो वहाँ उत्तर प्रदेश का जो ट्रेंड है उसको कानून व्यवस्था के ट्रेंड को सेट करने में योगी को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगी, वक्त लगेगा। बिल्कुल, जहर सी बात है, 6 महीने की बात आपने कही, कम से कम 6 महीने हो जाने दीजिए फिर आकलन किया जाएगा सही तौर से। सपा नेता यश यादव हमारे साथ में, यश क्या कहेंगे, आपकी सरकार थी इससे पहले और 100 दिन योगी सरकार के हुए हैं, किस रूप में आपको देखेंगे इस कार्यकाल को आप?
देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से श्री रामगोपाल जी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि हम 6 महीने का समय देते हैं सरकार को, 6 महीने बाद हम इस बात का आकलन करेंगे कि क्या इसके 6 महीने में काम हुआ। लेकिन जैसा कि अभी आदरणीय सरोठिया जी ने कहा कि खुद ही 100 दिन की अपनी ढपली बजा रहे हैं, तो उस ढपली पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लेने का काम भी विपक्ष का है कि जो आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे कि वास्तविकता है क्या। जिस तरीके से इन्होंने 15 जून तक गड्ढा मुक्त प्रदेश देने की बात कही थी, आप स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि 63% ही काम हो पाया है और उस बात के लिए रोना रो रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। तो जब सत्ता में आए थे तब इनके पास बजट की भूमिका इनको पता नहीं थी, या जब ये चुनाव लड़ने जा रहे थे तब बजट की स्थिति नहीं पता थी, तब भी इनके विधायक थे, सारी जानकारी इनके पास थी, 72 सांसद थे प्रदेश के इनके पास। तो इस तरीके से भ्रमित करने का काम इन्होंने जनता के साथ किया। दूसरी बात, जब ये सरकार में आए थे तो समाजवादी पेंशन योजना को इन्होंने बंद कर दिया था और ये बोला था कि 60 दिन में हम दोबारा चालू करेंगे, इसकी जांच की जा रही है, हितग्राहियों की जांच की जाएगी कि ऐसा तो नहीं कि गलत हितग्राही को फायदा पहुंच रहा है। जो काम 60 दिन के बाद, आज 100 दिन हो गए, आज भी वो समाजवादी पेंशन योजना केवल राजनीतिक, बिल्कुल आप यही कह रहे हैं कि काम होना चाहिए था 100 दिन में, कहीं वो दिखा नहीं जिस तरह से बातें की जाती रही हैं। दीपचंद्र यादव, मुझे बात करने दीजिए। जी जी जी, मैं आपके पास फिर आएंगे, काफी समय हमारे पास। राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण ये केवल जनता का नुकसान कर रहे हैं। जो समाजवादी पेंशन योजना हितग्राही लोगों को मिल रही थी, उसके बाद मार्च में आदरणीय भट्ट साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मार्च में लखनऊ मेट्रो के लिए एनओसी रेलवे से प्राप्त हो चुकी है, उसकी ट्रायल रन हो चुका है, पूरी आएंगे हम आपके पास में आएंगे, यस हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास में आएंगे। सबसे पहले दीपचंद्र यादव कांग्रेस नेता हमारे साथ में। दीपचंद जी, जिस तरह से एनालिसिस किया जा रहा है, कहीं भ्रमित करने का काम किया है सपा कह रही है, क्या कहेंगे, किस रूप में देखेंगे 100 दिनों को आप? देखिए, अभी सरोठिया जी ने जो बात कही, मैं भी उस बात से सहमत हूँ, और किसी भी सरकार को समय मिलना चाहिए काम करने का, लेकिन पूत के पांव पालने में दिखने लगे। जी जी, ये भी एक कहावत है और ये चरितार्थ यूपी में बिल्कुल सिद्ध हो रही है। जी, अभी हम 100 दिन ये, और भारत के अंदर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, मोदी जी और योगी जी, दोनों मिलकर के इस देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसको आकलन करना पड़ेगा। अभी जहां तक लाइन ऑर्डर की मैं बात करूंगा, वहां की विकास की, तो बात, अगर कोई विकास की बात करता है तो ये मान के चलिए कि पूर्व सरकारों ने जो आधारशिला रखी उसी पर ही आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब उस कोशिश में कितने सफल होते हैं या उनकी योजनाएं समझ में आती हैं या नहीं आती, ये अलग बात होगी। पहली बात तो ये है कि योगी जी आज तक ये समझ, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने हैं नहीं बने, क्या है मुख्यमंत्री का क्या पद होता है, मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है, अभी तक वो नहीं समझ पाए। भले ही वो बहुत सीनियर लीडर हैं, संसद का अनुभव हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चलाने का उनको अनुभव नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँ, लाइन ऑर्डर की सबसे बड़ी बात है, तो इनके जो क्राउन है उसके अंदर सबसे बड़ा तो सहारनपुर का लगा। आंकड़े देख लीजिए, ये मेरा नहीं, इंडिया टुडे में छपा हुआ ये रिपोर्ट बता रहा हूँ। लूट इस जनवरी में 249 थी, जो बढ़कर 421 हो गई है, अप्रैल में 412 हो गई। मर्डर जो कि जिसके लिए वो सहारनपुर का, मैं पहले कहता हूँ सहारनपुर में जो नंगा नाच हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है किस तरह से। इसके बाद मर्डर जनवरी में 286 थे, मार्च में 396 हो गए, अप्रैल में 399 हो गए। रेप केसेस, जो महिलाओं की सुरक्षा की उसकी बात करते हैं, उसमें जनवरी में 244 थे, मार्च में 378 हो गए, अप्रैल में बिल्कुल बिल्कुल कुल मिला के दीपचंद जी कह सकते हैं, आंकड़े हैं, कुल मिला के 100 दिन में जो कानून व्यवस्था की स्थिति होना चाहिए वो नहीं हुई, यही आपका कहना है। शैलेंद्र प्रधान, उनका भी हम ले लेते हैं, और जनरल शैलेंद्र प्रधान बीजेपी नेता हमारे साथ में। दीपचंद जी आपके पास फिर आएंगे, शैलेंद्र प्रधान हमारे साथ में है। शैलेंद्र जी, जिस तरह से 100 दिन की उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि जो उम्मीद थी योगी सरकार से, कहीं ना कहीं वो कुछ दिखा नहीं होते हुए काम वहां पर। देखिए, एक आज तक पे टीवी पे एक लाइव आया था कि 5-6 लड़के, 2 लड़कियां जा रही थी तो उनको छेड़ रहे थे, उनको गोद में उठा रहे थे और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। ऐसी घटनाएं रोमियो स्क्वाड के माध्यम से ये रोक दी गई हैं। बिजली हर गांव में पहुंचाने का एक संकल्प है और पहुंचाई जा रही है हर तहसील में। ऐसा नहीं है कि कौन से इलाके में इनके वक्त में, किसी पर्टिकुलर इलाके में तो बिजली दी जाती थी, बाकी इलाके में गुल कर दी जाती थी।
और जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इनके वक्त तो दो समाज के तो FIR लिखी नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ही तो करते थे गुंडागिरी। अब उन पे सख्ती हो रही है तो उस पे हाय तोबा निश्चित ही मचाएंगे। और दूसरा, मोदी जी ने 60% योगी जी ने 60% गड्ढे तो भरे, इनके तो गड्ढे ही गड्ढे थे, तो कर तो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता में उनकी एक छवि है। और पहली जो बात होती है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सपा और बसपा में तो भ्रष्टाचार ही के अलावा कुछ था ही नहीं, सब भाई भतीजा यादव होगा, उसी की नियुक्ति PSC में भी होगी, उसी की नियुक्ति पुलिस में भी होगी, और अगर पेंशन मिलेगी तो उसी को मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा तो उसी को मिलेगा। अब देखिए, और ये लेकिन लेकिन शैलेंद्र जी, जिस तरह से BJP कार्यकर्ताओं की दादागिरी वहां पर बढ़ी है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि 100 दिन में जब ये स्थिति है, जब 5 साल राज करेंगे तो क्या स्थिति होगी? अपने अपने कुनबे से ही परेशानियां खड़ी होती दिख रही हैं। नहीं, देखिए, अगर रुपया में इनके यहाँ होती थी गुंडागिर्दी, और अगर 10 पैसे हो रही है तो मीडिया उसको निश्चित ही दिखाना ही चाहिए, मैं उसका रोक नहीं कर रहा हूँ, पर इनके यहाँ जो रुपया यानी 100% गुंडागिर्दी थी, उसकी 10% है, और कुछ कार्यकर्ता निरंकुश हो रहे हैं, तो उनपे सख्ती की जा रही है, और ये स्थिति सुधरेगी और जनता प्रसन्न है, जनता खुश है। जनता प्रसन्न है, बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया साहब हमारे साथ में हैं। राजेश जी, जिस तरह से आपने सुना, हमारे तीनों मेहमानों ने जिस तरह से बात की, और एक दीपचंद जी ने जो बात की कि योगी जी खुद समझ नहीं पा रहे कि वो आखिर क्या है। आज के अगर हम भाषण की बात करें तो उन्होंने केंद्र की ज्यादातर मोदी की तारीफ की, PM मोदी की बात की, केंद्र की बात की, तो क्या कुछ अभी 100 दिन में उनको कुछ और ज्यादा कुछ बताने के लिए उनके पास नहीं है, इसीलिए अभी मोदी मोदी और केंद्र सरकार कर रहे हैं? कि अगर कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात करता है, और अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको मोदी मोदी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये निष्ठा प्रमाण पत्र बार बार अपना प्रदर्शन जो है नुमाइश करना पड़ती है, वो तो एक राजनीति का अनिवार्य तत्व हो गया है जी। और एक बात सही बात ये है कि 100 दिन में कुछ नहीं हो पाता है, 100 दिन में बिल्कुल एक कहते हैं हनीमून पीरियड रहता है, आपाधापी जैसी स्थिति बनी रहती है। अब चीज़ों को धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे और कहाँ जड़ कहाँ पर है समस्या की, उस पर प्रहार करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन यादव जी ने जो बात कही कि पूत के पांव जो है दिखने लगते हैं पालने में, तो वो स्थिति तो निश्चित रूप से भी उतना योगी को लेकर जितनी लोगों को उम्मीद बनी थी बिल्कुल वो उस कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन ये आकलन अंतिम नहीं है अभी जी। अभी क्या है कि जो व्यक्ति अच्छे नेता होते हैं जी, वो हमेशा सब्जेक्टेड टू करेक्शन मोड में रहते हैं, सुधार के लिए सदैव तत्पर जी। तो योगी जी में वो क्वालिटी है और मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे अपने आप को सुधार करेंगे, परिष्कृत करेंगे, परिमार्जित करेंगे और आगे चल के देखिए, वहाँ यूपी का जनमानस जो है जिसने जिस तरह से उनको जिताया है भाजपा को, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा वर्ग नहीं है, बहुत बड़ा जो उनसे मायूस होने लगे, अभी बहुत लंबा समय बाकी है, अभी 80 दिन होंगे तब तो 6 महीने पूरे होंगे 180 दिन में जी। तो धीरे धीरे आएगा, चीज़ें पटरी पर आएंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित रूप से कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर तो काफ़ी अंकुश जो है, और भाई भतीजावाद जो जो कि समाजवादी पार्टी का एक तरह से वो बना हुआ था, आइकॉन बना हुआ था, तो वो उससे तो निजात मिली है। लेकिन ऐसा ना हो कि चक्कर में किसी के काम ही ना हो जी, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लोगों को निराशा होती है। राजेश जी, एक बात जो देखने के लिए, हालांकि 100 दिन बहुत कम है, हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, लेकिन इन 100 दिनों में जिस तरह से जो BJP के कार्यकर्ता हैं उनकी दादागिरी वहां पर देखने को मिली, पुलिस के साथ मारपीट की घटनाएं वहां पर हुई, तो ये सारी जो चीजें हैं, कहीं नहीं लगता कि इन चीजों से योगी सरकार है वो कहीं परेशानी में आ सकती है, CM योगी परेशानी में आ सकती है अपने ही कुनबे से? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है जी, वो मध्य प्रदेश जैसा नहीं है। मध्य प्रदेश तो जनक है भारतीय जनता पार्टी के संगठन रूप से, तो उनके पास में जो एक कार्डर बेस स्ट्रक्चर होना चाहिए वो तो वहाँ नहीं, वो तो एक हवा चली और एक आंधी चली और उसने सबको बहा के ले गए, और उसको हवा को बनाने के लिए बांधने के लिए सभी दलों के लोग, कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता नेता बहुत सारे उसमें शामिल हुए हैं,
तो ये मानना चाहिए कि अभी उनको भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में ढलने में वक्त लगेगा। फिर दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो पिछले 2002 के बाद से, मैंने 15 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है उनकी, तो 15 साल से वो तो पिट ही रहा था वहाँ पर। तो थोड़ा सा एक कई लोगों में जो प्रतिक्रियावादी सोच होता है वो दिखाते हैं अपने पावर में आने का दम। चलिए तो अब ये सारी चीजें समय के साथ देखना पड़ेगा, समय के साथ सारी चीजें सामने आएंगी, कितना नियंत्रित कर पाते नहीं कर पाते जी। यस कुछ कहना चाह रहे थे आप उस समय, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, काफी भ्रष्टाचार हुआ था, स्थिति संभालने में वक्त लगेगा। जिस तरह से कहा है, योगी जी ने भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो फैलाया उसको समेटने, व्यवस्था बनाने में वक्त लगेगा। अभी नहीं, तो आप भ्रष्टाचार रोकिए, भ्रष्टाचार को रोकने का काम कीजिए। कौन आपको मना कर रहा है? आपकी सरकार है, 5 साल का आपके पास समय है। आपने जो कहा है हम तो उसी पे बात कर रहे हैं। आपने कहा समाजवादी पेंशन योजना हम 60 दिन के लिए रोक रहे हैं, 60 दिन बाद हम उसकी जांच करवा करके उसको क्रियान्वयन करेंगे। आज 100 दिन हो गए लेकिन स्थिति वही की वही है। आपके घोषणा पत्र में ही था कि हम लैपटॉप का वितरण करेंगे, आज 100 दिन में योजना नहीं दिख रही कि आप लैपटॉप वितरण क्या कर रहे हैं। एक प्रभावी योजना थी जिसमें हमने 8 से 10 लाख लैपटॉप बांटे थे, विद्यार्थी हितग्रही हुए थे, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि एक समाज विशेष एक धर्म विशेष के लिए हमने काम किया। चलिए, हमने किसी के लिए भी किया, आपके आरोप के साथ हैं हम, लेकिन आप किसी के लिए तो करिए, आप किसी के लिए भी नहीं करना चाहते। अल्टीमेटली फायदा तो उत्तर प्रदेश की जनता को ही हो रहा था, आपने तो जनता के साथ में राजनीतिक पक्षपेत में काम करना ही बंद कर दिया। नहीं, आप पर आरोप भाई भतीजावाद ज्यादा हो गया था यूपी में आपकी वजह से। ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहे हैं, अभी तक ये चुनाव मोड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज भाई भतीजावाद नहीं, आप तो अपने धर्म की बात कीजिए। हिंदू धर्म को लेकर के आप चर्चा करते थे सहारनपुर दंगे के बाद, जिस तरीके से हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन करना चालू किया है, जिस तरीके से लगातार घोषणाएं हो रही है, लगभग 50,000 लोग अभी तक धर्म परिवर्तन करने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात, जब गुजरात में दंगे हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां जाके कहा था कि सत्ता पक्ष को राजधर्म का पालन करना चाहिए, तो ये राजधर्म का पालन ना करते हुए धर्म परिवर्तन और इस तरीके का एक खौफ का माहौल, एक भय का माहौल बना जा रहे, जबकि ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। हमने ईद के दिन पे देखा, ये मुसलमानों के जो त्यौहार बन रहे हैं, योगी जी बिल्कुल नदारद दिख रहे हैं। प्रदेश के मुखिया होने के नाते और एक जनसंख्या होने के नाते मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों की, उनको उनका साथ देना चाहिए, ना कि एक धर्म पक्षपात करना चाहिए कि मैं हिंदू धर्म का नेता हूं। यही काम मोदी जी भी कर रहे हैं, कई मुस्लिमों की मदद भी की। पिछले 3 साल की ईद में हम लगातार ये देख रहे हैं कि वो नदारद रहते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहता या मैं इनका समर्थक नहीं हूं। जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार हुआ गाय को लेकर के या और चीजों को लेकर के, उसमें उन्होंने दलितों के लिए तो ये दिखाया कि इन्हें मत मारिए, मुझे मारिए, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए कोई सुरक्षा की बात नहीं करी उन्होंने। आज के इस चर्चा में हमारे साथ में शैलेंद्र प्रधान, बीजेपी नेता, वरिष्ठ पत्रकार राजेश रोटिया, सपा नेता यश यादव, कांग्रेस नेता दीपचंद यादव और लखनऊ से हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आज की इस चर्चा में योगी के 100 दिन, हालांकि जिस तरह से चर्चा की गई, जो वक्त है वो अभी चूंकि 100 दिन ही बीते हैं, अभी तकरीबन कम से कम 6 महीने का कार्यकाल जब निकले, उसमें ये एनालिसिस हो कि योगी सरकार से जो उम्मीदें यूपी की जनता को थी उस पर वो कितने खरे उतरे। लेकिन फिर भी जिस तरह की बातें आज निकल कर आई हैं, जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि योगी के 100 दिन जिस विश्वास के साथ वो आए थे सत्ता में वो नहीं दिखे, जहां एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिस तरह से राजेश सिरोठिया ने कहा कि अभी एनालिसिस करने का वक्त नहीं है। आज की खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।